हम लोगों ने एग्जाम दिया था ऑन द 6th ऑफ जनवरी, जिसका रिजल्ट आया ऑन द 31st ऑफ द जनवरी। रिजल्ट आने के बाद हमने देखा जो हम लोगों के एक्सपेक्टेड स्कोर था उससे 150 टू 200 लेस था। ये मेरा नहीं, ये एक 2000 लोगों का इशू है। जब हम क्वेश्चन पेपर सबमिट करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है हमारी नीट पीजी की, तो नंबर ऑफ टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हमें लास्ट पे शो होते हैं, तो वो सबको बेसिकली पता ही रहता है कि कितने हमने अटेम्प्ट किए हैं। बट जब स्कोर कार्ड आया है इस बार तो उससे डिफरेंस आया है, कई लोगों का कम आया है। जैसे कि एग्जांपल मेरे एक कलीग है, उनके 247 इन्होंने अटेम्प्ट किए थे, उनके 239 शो हुए। I attempted 194 questions, but the scorecard showed only 192 questions. एंड पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन शो कर रहा था, जो कि 263 क्वेश्चन शो कर रहा था, और स्कोर कार्ड में 265 क्वेश्चन शो कर रहा था। तो यानी कि दो क्वेश्चंस का इन्होंने डिफरेंस शो किया था, यानी कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की गई है, जिसको कि NBE ने कवर करने की कोशिश की है, और उसको कवर करने के लिए इन्होंने हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाए हैं या घटाए हैं। I attempted 220 questions and the scorecard showed that I attempted 221 questions. Though it is just one question, the rank difference that it makes is huge. जैसे मेरे को रेडियो चाहिए, तो रेडियो मेरे को 2000 रैंक तक ही मिलता है, मेरी रैंक है 12,000। On the very first day I got a call, why are you doing so? क्यों कर रहे हो, इतनी बड़ी बॉडी के अगेंस्ट मत जाओ। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट अ कॉल डैट कि चलो सीधे NBE डायरेक्टर से ही मैं मीटिंग करा देता हूँ। आई डोंट नो कौन था, क्या था, फेक कॉल था, बट हम लोगों के पास ऐसे कॉल शुरू हो जाते हैं। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इज देयर विच इज़ अ वायोलेटिव ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट।